में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रोहित महाजन। आज हम आपको न्यूज़ टीवी 11 के माध्यम से रामनवमी के पावन अवसर पर और नवरात्रों के खास अवसर पर दर्शन करवाएंगे माँ भद्रकाली मंदिर के, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर इस समय भक्तों की आप देख सकते हैं कि कतारें जो दर्शन करने के लिए लगी हुई हैं, और लगातार जो भगत जन जो हैं वो यहाँ पर इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर माँ भद्रकाली माता के दर्शन करने के लिए जब भी आप यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो खास तौर पर इसी तरीके से नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है भारी रश रहता है। तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार दर्शन करवाएंगे इस पवित्र स्थल के, क्योंकि देशों विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं दर्शन करने जाते हैं माँ भद्रकाली जी के नवरात्रों के पावन अवसर पर, और खास तौर पर नवमी के इस शुभ अवसर पर दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पाले हुए हैं, वो पहुँच रहे हैं। और ये दर्शन इस समय आप कर रहे हैं माँ भद्रकाली जी के, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और खास तौर पर भक्तजन जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं, और भक्तों की जो कतारें हैं वो इस समय आप देख सकते हैं। अपने अनुसार बधरे आते हैं। मैं आज नवमी के अवसर पर आप आए हो दर्शन करने के लिए, क्या कहना? मैं कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से सारे परिवार को, सारे संसार को, जो भक्तजन है उनको रामनवमी की बहुत मुबारक। हम माता के दरबार में सबकी खुशियाँ मांगने आते हैं, ग्रह दर्शन के दूर करें। बाकी देवी का श्रृंखला मेरी तरफ से मेरी हौसला है, मेरी वाइफ है, हमारे परिवार की तरफ से सब भक्तजनों को कोट प्रणाम, माता जी को कोट प्रणाम। तो इसी तरीके से जो भगत जन है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, छोटे बच्चे से लेकर जो बड़े बुजुर्ग हैं श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं, और मंदिर परिसर में जो परिवार के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मंदिर परिसर के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बहुत सारे जो लोग हैं जो है आज नवमी के खास अवसर पर इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर जो पहुँचते हैं, और आज नवमी